मुखिया प्रत्याशी विजेंद्र यादव के समर्थकों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। बिहार पंचायत आम निर्वाचन के 10वें चरण में औरंगाबाद जिले के देव और कुटुंबा प्रखंड में चुनाव है। इसी दौरान शुक्रवार को देव प्रखंड के दुलारे पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र कुमार यादव ने भी उसी पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान विजेंद्र के लगभग 4000 समर्थक प्रखंड मुख्यालय पहुंच गए थे, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। जाप नेता विजेंद्र यादव ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर वे मुखिया पद का नामांकन करने प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थकों को पुलिस ने जानबूझकर किसी के इशारे पर टारगेट किया था। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने और नारा लगाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब वे नामांकन दाखिल करके प्रखंड कार्यालय से वापस लौट रहे थे। लौटते हुए समर्थकों तो उल्टे जगह खाली कर रहे थे, फिर भी उन पर लाठीचार्ज किया गया, जो कि कहीं से उचित नहीं है। यह कार्यशैली सामंतवादी मानसिकता की पहचान है, जिसकी लोग कभी बेवजह टारगेट करके लाठी डालने से पिटाई की जाती हो।